राष्ट्रीय खेल दिवस पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हुआ इस आयोजन के अतिथियों में श्रीमती रामकुमारी वर्मे पार्षद महामाया वार्ड सिवनी मनीष मिश्रा विधायक प्रतिनिधि खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्रीमती मनु धुर्वे जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी शंकर मखीजा समाज सेवी कार्यकर्ता सत्येंद्र भालेकर का क्रीड़ा भारती विभाग प्रमुख जनक कुमार तिवारी जिला मास्टर एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष शर्मा सचिव जिला एथलेटिक्स संघ असद खान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में महेश कुमार गौतम प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी विद्यालय का समस्त स्टाफ प्रदीप वर्मा सेवानिवृत्ति व्यायाम निर्देशक के अलावा उत्कृष्ट विद्यालय में पूर्व वर्षों में अध्ययन करते हुए विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर विद्यालय के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों में आकाश सोनी जिम्नास्टिक विशाल कश्यप फुटबॉल कमलेश डेहरिया फुटबॉल संजय बघेल कबड्डी कपिल बघेल खो खो महेंद्र बघेल मलखम कुमारी पूर्णिमा देहरिया एवं ज्योति दमाहे अमेरन गीत का शतरंज निशिका बघेल एवं नीलू बघेल रोप मलखम की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्यानचंद जी के छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ कार्यक्रम में विद्यालय के राष्ट्रीय खिलाड़ी छात्राओं का सम्मान अतिथियों के द्वारा किया गया इसके पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद हॉकी टीम एवं भगत सिंह हॉकी टीम के अंतर्गत सुबह स्ट्रो टफ़ हॉकी स्टेडियम में मैच संपन्न कराए गए इसमें चंद्रशेखर आज़ाद हॉकी टीम के समस्त खिलाड़ियों को विजेता होने पर मेडल से सम्मानित किया गया शतरंज के विजेता खिलाड़ी ऋषित सोनी सत्यम राजपूत एवं हिमांशु सहारे को क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के मेडल प्राप्त प्रदान किया टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता आशुतोष चौबे एवं विवेक साहू को मेडल से सम्मानित किया गया वॉलीबॉल खेल में सुभाष चंद्र बोस टीम में अर्पित मरावी भूपेंद्र बघेल आयुष यादव यश भलावी आशीष अहिरवार एवं पुष्पराज कमरे को मेडल से सम्मानित किया गया इस अवसर पर श्रीमती मनु ध्रुर्वे जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी सिवनी ने अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी बच्चों को हॉकी खेल की उपलब्धि पर भारतीय हॉकी टीम का विश्व में स्थान के संबंध में अवगत कराया साथ ही जिला सिवनी में चलने वाले विभिन्न खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र की भी जानकारी दी संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्बोधन में प्राचार्य महेश कुमार गौतम ने बताया कि खेल स्वास्थ्य के लिए कितना अहम एवं लाभप्रद है इस संबंध में बच्चों को अवगत कराया अंत में समस्त अतिथियों एवं विद्यालय के समस्त लगभग 1240 छात्राओं ने सामूहिक राष्ट्रगान किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के ओम शिव ओपी शर्मा श्रीमती ठाकुर एवं समस्त स्टाफ का सहयोग रहा कार्यक्रम का मंच संचालन व्यवस्था पुरस्कार वितरण व्यवस्था एवं सिवनी जिले के खेल को प्रोत्साहन देने वाले पूर्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मोमेंटो वितरण की व्यवस्था पूर्व विद्यालय राष्ट्रीय खिलाड़ी को सम्मानित करने की व्यवस्था में पूर्ण सहयोग देवेंद्र सिंह ठाकुर व्यायाम निर्देशक का योगदान सराहनीय रहा संबोधित बताया जा रहा है कि आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है सन 2012 से हम भारत सरकार ने घोषणा की है कि जो हॉकी के खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद जी उनके जो परफॉर्मेंस था प्रदर्शन था वो केवल भारतीय भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में गिना जाना हुए भारत सरकार ने सन दो से आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस में मनाए जाने हेतु घोषणा की थी तभी से हम इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना